ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, जहां पर महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में ग्राम पंचायत के चुनाव में 145 सीट लेकर चार समितियों में बहुमत की तरफ बढ़ रही है। इसी बात पे बात करते हैं प्रीति शर्मा मेनन जी से। प्रीति जी, एमबी न्यूज में आपका स्वागत है। इतनी बड़ी जीत के बारे में क्या सोचती हैं आप? महाराष्ट्र में हमने 300 जगहों पे महज चुनाव लड़ा था और 145 में हम विजयी हुए और चार पूरी पंचायतें भी हमारी हैं, और सोलापुर में, लातूर में, गढ़चिरौली जैसी जगहों में हमने आज आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया है। इस बात से ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल के काम की पहचान हर गाँव में हो गई है, तो फिर हर शहर में क्यों नहीं। तो हम इस बार आम आदमी पार्टी सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की मुंबई में है। 7 साल पहले दिल्ली का भी वही हाल था जो आज मुंबई का है। सड़कें खराब थी, स्कूल खराब थे, अस्पतालों की तो हालत ही पूछो मत। लेकिन आज दिल्ली देखो, आज दिल्ली एक वर्ल्ड मॉडल हो गई है कोरोना केयर की वजह से, एजुकेशन की वजह से। वही क्रांति हम मुंबई में लाना चाहते हैं। मुंबई डिजर्व्स बेटर। प्रीति जी, आप भी जानती हैं चुनाव लड़ने के लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है, और जैसे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी कहते आ रहे हैं कि हम जनता से चंदा लेकर उनके लिए चुनाव लड़ते हैं ताकि हमें उनके लिए काम करना पड़े, किसी कॉरपोरेट के लिए, किसी पूंजीपति के लिए नहीं, इसलिए हम जनता से ये चंदा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या कहना? आम आदमी पार्टी के चुनाव आम आदमी लड़ता है, आम आदमी आता है, एकजुट होता है और वो चुनाव लड़ता है। तो हमें पूरा यकीन है कि जैसे दिल्ली में जब हमने पहला चुनाव लड़ा था, अब कौन जानते थे राखी बिडलान को, कौन जानता था सोमनाथ भारती जी को, कौन जानता था प्रकाश जायसवाल जी को। सब प्रकाश तो आई थिंक 25 साल का हुआ था 2 महीने पहले चुनाव के, तो ये यंग युवा थे जिनके पास ना पैसा था, मतलब नौकरी भी नहीं की थी, सीधा स्कूल से कॉलेज से बाहर आए हुए थे, और इन्होंने 11 बार चुने हुए MLAs दिग्गज नेताओं को गिरा दिया। तो चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी को पैसे की जरूरत नहीं होती, आम आदमी को एक यकीन की जरूरत होती है कि यही विकल्प है जिससे मेरी जिंदगी बदलेगी। तो ये मुंबईकरों के पास हम यही मैसेज लेके जाएंगे कि अगर आपको बदलनी है मुंबई, 30 साल से वही सत्ता रही है शिवसेना की, बीजेपी की, शिवसेना ने बस मुंबई को लूटा है, लूटते लूटते वो राज्य तक पहुंच गए हैं, लेकिन 2 साल से उद्धव ठाकरे जी राज कर रहे हैं मुंबई पे एज अ चीफ मिनिस्टर। क्या बदलाव आया? क्या हमारी सड़कें बदली? क्या हमारे स्कूल बदले? हमारे मेडिकल खर्चे कोरोना के समय में कितने ज्यादा हुए, लोगों को अपने घर गिरवी रखने पड़े इलाज करने के लिए। तो वो बदलाव लाने के लिए लोगों को चुनाव लड़ना होगा, इसलिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत, हमें ज्यादा दिलों की जरूरत। प्रीति जी, आखिरी सवाल, दिल्ली में केजरीवाल जी शुरू से किसानों के साथ थे, उन्होंने केंद्र सरकार के इस आवेदन को भी ठुकरा दिया कि स्टेडियम दिए जाएं किसानों को रखने के लिए, वहाँ मीटिंग करने के लिए। आप लोगों ने भी यहाँ आजाद मैदान में उनका साथ दिया, क्या कहना है? एक षड्यंत्र था कि वो सारा जो किसान का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उनको स्टेडियम में जेल की तरह बंद कर देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये मंसूबा पूरे नहीं होने दिया। उन्होंने बोला कि दिल्ली की स्टेडियम को हम जेल की तरह इस्तेमाल होने ही नहीं देंगे, और रोक लगा दी उस पे। इसीलिए इस मोर्चे में बल आया। दिल्ली सरकार ने हर सुविधा दी है किसान के आंदोलन को, उन्होंने उनको वहाँ पे वाईफाई दिया है, एम्बुलेंस दी है, आपकी रसोई चल रही है वहाँ पे, हर किस्म की सुविधा पानी की हो या टॉयलेट्स की दिल्ली सरकार ने दी है। इस आंदोलन में हम सबको सहभागी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा बस किसानों का नहीं है, ये मुद्दा हम सबका। सुमिता जी, आप महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के महिला विंग के अध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर? BMC इलेक्शंस के लिए जो मुंबई का संगठन है, मुझे वोट खड़ा करना है, और इसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा साझेदारी रहेगी, सबसे ज़्यादा उनकी जवाबदारी रहेगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें टिकट देने के पक्ष में, और हम पूरे 227 सीट्स पे लड़ेंगे। ये हमारा आम आदमी पार्टी का पहला मुद्दा था। तो अब हम लेडीज़ को कैसे टच करेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि जैसे दिल्ली में हमने शिक्षा में इतना अच्छा कार्य किया है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का BMC स्कूल को लेके पहले से भी हम लोगों ने आंदोलन किए हैं कई बार। तो वहाँ पे हमसे महिलाएं जुड़ती थीं, और महिलाओं को लगता था कि नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, जब जो दिल्ली में इतना अच्छा काम हुआ है वो यहाँ पे कैसे हो सकता है। आपको मालूम है BMC स्कूल की हालत कितनी ख़राब है, तो वहाँ पे हम लोगों के सर्वे वगैरह हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स से, उनकी मम्मियों से, ज़्यादातर एक बच्चे के भविष्य में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसका उसके जीवन में जो संस्कार मिलते हैं माँ से मिलते हैं। तो माँ को समझ में आता है कि हमारे बच्चों को कौन अच्छी शिक्षा दे सकता है,
और पहला तो ये मुद्दा रहेगा कि इतनी अच्छी शिक्षा, अगर हम लोग इतने अच्छे स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली में, तो वो यहाँ मुंबई के बीएमसी स्कूल्स भी हम उसी लेवल पे बनाएंगे, सबसे पहला हमारा ये वादा रहेगा। और दूसरा कि अपन हमेशा देख रहे हैं कि हमारे कोरोना के टाइम पे अपन ने बीएमसी हॉस्पिटल्स की हालत देखी, ना मास्क थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग उससे जूझ रहे थे और हमारी जनता भी जूझ रही है मुंबई की, तो वहाँ पे भी हमने सब लोगों को टच किया और वहाँ पे भी लेडीज़ को जो समझ में आया कि हमारे परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल जो दिल्ली सरकार दिल्ली में कर रही है वो हमको मुंबई बीएमसी में लाना है, और उससे हम महिलाएं हमारे साथ आएंगी और बिल्कुल आएंगी, और हम 50% जो महिला का रिजर्वेशन है वो सीट्स हम लोग महिलाओं से भरी। मतलब इसका ये है कि ये रिफ्लेक्शन है कि हर जगह पे अभी आम आदमी का ज़रूरत है। मैंने एक जगह पे एक्चुअली यही एसेस कर रहा था, मुंबई में शिवसेना है, शिवसेना कौन सा परिवार की पार्टी है? ठाकरे परिवार। एमएनएस कौन सा परिवार की पार्टी है? राज ठाकरे के परिवार। एनसीपी कौन सा परिवार की पार्टी है? वो पवार के परिवार। आम आदमी के लिए कौन है? कोई नहीं है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जोड़ना चाहता हूँ हमारे कच्ची गुजराती मारवाड़ी, जिसको मोदी जी ने बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई, GST लाया, नोटबंदी लाई, आज हमें कच्ची गुजरातियों को पता है। पर हम बोलते हैं ना कि हमारा बाप चोर है, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे गुजराती कच्ची ने कुछ एक्सेप्टेशन रखा था मोदी के लिए कि ये देश में बदलाव लाएगा, क्योंकि ये गुजराती है, व्यापारी आदमी है, तो सबको लेके चलेगा, बट नो, वो फेल हो गए। हमारी आम आदमी पार्टी जो घोषणा की है ना, मुंबई में इलेक्शन लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, इसलिए मुंबई में महाराष्ट्र में सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल की इतनी दुर्दशा है कि हम बता नहीं सकते, और इसीलिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हर एक आम आदमी को इसकी सुविधा मिले और इसकी फैसिलिटी मिले। ग्राम पंचायत चुनाव में 145 सीट लाकर महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे उपस्थिति दर्ज करा दी है। सारे कार्यकर्ता ऊर्जावान और उत्साहित नजर आए। बांद्रा में एक नए कार्यालय का उद्घाटन के समय बधाइयों का तांता लगा था, वहीं चुनाव की तैयारियां भी नजर आई। देखना होगा कैसी परफॉर्मेंस रहती है आने वाले समय में। MB News के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।